हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। यहां पर कुछ डेटा दिया गया है, आप ये डेटा देख सकते हैं। यहां पर ऊपर का जो हिस्सा है, मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। जब भी आपको रैंडम नंबर जनरेट कराने होते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे छोटा नंबर फिर सबसे बड़ा नंबर दे करके कॉमा लगा करके फिर एंटर कर देते हैं तो यहाँ पर एक नंबर आ जाता है। अब आप इसको ड्रैग करते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके फिर यहाँ पर नीचे की तरफ इसे खींचते हैं तो ये सारे नंबर रैंडमली जनरेट हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि क्या कोई इससे भी आसान ट्रिक है कि एक ही बार में हर जगह नंबर जनरेट हो जाए? तो जी हाँ, इसके लिए बिल्कुल एक आसान ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है, पहले तो इसे सब हटा दीजिए और यहाँ पर उतनी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जितनी रेंज में आपको डेटा चाहिए। मान लीजिए इतनी ही रेंज में हमें डेटा चाहिए। अब हमको क्या करना है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर आएगा सबसे छोटा नंबर, तो मान लीजिए सबसे छोटा नंबर हम 18 रखते हैं, 18, ठीक है। फिर कॉमा लगाते हैं, अब सबसे बड़ा नंबर 98 रख देते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें ये मार्क्स मिले हैं। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर करना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि ये पूरी रेंज सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये सिलेक्टेड रेंज हट गया है मेरे में, तो मैं वापिस से इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके तब इस पर लगाता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। फंक्शन वो लगाते हैं हम, तो ये रैंड बिटवीन हो गया और सबसे छोटा 18 हो गया, सबसे ज्यादा 98 हो गया। बंद करके और कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है एंटर। तो देखिए एक ही बार में हर जगह अलग अलग नंबर जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको अगर इस डेटा को यूज करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और पेस्ट स्टेशन पे जाके इसे वैल्यू बना लीजिए। अगर आप वैल्यू नहीं बनाते हैं तो दिक्कत जानते क्या होगा, यहाँ पे देखिए 24 है ना, देखिएगा जरा यहाँ पर तो 24 ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन जरा देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर देखिए जैसे क्लिक करता हूँ तो अब ये 32 में चेंज हो गया। तो ये चेंजिंग ना हो इसके लिए जरूरी है कि इसको फ्रीज कर दिया जाए, ठीक है, डेटा को फ्रीज कर दिया जाए। तो यहाँ से जाके कॉपी करके पेस्ट स्टेशन पे जाके वैल्यू बना दीजिए, बस हो गया काम। अब ये कितना भी बाहर क्लिक करेंगे तो ये फ्रीज रहेगा डेटा आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।